तो गाइस ये रहा मेरा सेकंड पेमेंट यूट्यूब का, देख लो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो मेरे अभी 3000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हुआ और मैंने अपना सेकंड पेमेंट ले लिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली आज मेरा यूट्यूब का सेकंड पेमेंट आ चुका है, मगर इस बार पेमेंट जो है वो 10 दिन लेट से आया। मुझे टेंशन हो गई थी अभी तक मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया, 25-26 तक पेमेंट आ जाना चाहिए था, मगर मेरा पेमेंट जो है वो 3 तारीख को पहुँचा है। अब समझो कि इतना लेट क्यों हुआ। मैंने बैंक मैनेजर को कॉल भी किया कि मेरा पेमेंट कहाँ अटका हुआ। मैंने ट्रांजैक्शन रिसीप्ट जो होता है यूट्यूब की तरफ से जो मिलता है एडसेंस की तरफ से, मैंने उसका ट्रांजैक्शन आईडी भी बताया, फिर भी बैंक मैनेजर बोला कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर बात करने के 2 दिन के बाद फाइनली आज आ चुका है पेमेंट। मैंने बैंक मैनेजर से परसों बात किया था, तो मुझे टेंशन हो गई थी मेरा पेमेंट कहाँ अटक गया, इस बार पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फाइनली पेमेंट आ चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ ATM पेमेंट निकालने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और मेरा जो बैंक है वो बिहार में है, तो इसलिए मैं बैंक नहीं जा सकता, इसलिए मुझे ATM जाना पड़ेगा पेमेंट निकालने के लिए। तो मैं चलता हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ ATM के लिए, सामने में ATM है आगे वाली गली में। तो भाई ये रहा ATM, तो उस ATM में पैसे नहीं थे इसलिए मैं दूसरा ATM जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कभी पैसे ही नहीं रहते, हमेशा आउट ऑफ मनी, मतलब पैसा ख़त्म ही रहता है उस ATM में। तो वो एक्सिस बैंक का था, अभी मैं जा रहा हूँ स्टेट बैंक जो अब अगली वाली गली में। तो गाइस ये रहा दूसरी वाली ATM, चाहे जिसमें निकल जाए पैसे। तो मैं पैसे निकाल चुका हूँ और मुझे है ना कुछ 2-3 सामान लेनी है। तो सामने सुपर मार्केट है तो मैं सुपर मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, कुछ डेली यूज का सामान है, जब पैसे निकाल ही लिया हूँ तो ले ही लेता हूँ। गाइज ये सामान है जो मैंने अभी सुपरमार्केट से लिया है, ये परफ्यूम केस और ये बॉडी वॉश बियर्डो का और फेस वॉश, हेयर स्प्रे और ये कुछ बिस्किट्स और सर्फ। तो मैंने ये 2-4 सामान है जो मैंने लिया, इसकी ज़रूरत भी थी, पेमेंट भी निकाल लिया और सामान भी ले लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो गाइज ये रहा मेरा सेकेंड पेमेंट यूट्यूब का, देख लो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैंने इससे कुछ पैसे खर्च भी किए हैं और ये 25% ही है टोटल पेमेंट का। तो अब देख लो मैंने ज़्यादा निकाला नहीं, क्योंकि मैं UPI पेमेंट ज़्यादा करता हूँ और मैं मुझे कैश रखना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बस 100-200 ही पॉकेट में रखता हूँ, बाकी हर जगह मैं UPI पेमेंट करता हूँ, इमरजेंसी के लिए मैं कुछ कैश रखता हूँ। तो ये रहा मेरा पेमेंट, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने जो मेहनत किया यूट्यूब के वीडियो के लिए उसका फल है ये। तो मेरे अभी 3000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हुआ और मैंने अपना सेकंड पेमेंट ले लिया है। मैंने कैसे लिया, बस कुछ नहीं है, बस कंटिन्यू वीडियो बनाते रहो, कंटेंट अच्छा बनाओ, व्यू बढ़ेंगे तो पैसे खुद ब खुद बढ़ेंगे। और इसका भी कुछ ट्रिक है जो मैं ऐसे नहीं बता सकता, कुछ ट्रिक है जिससे मैं डॉलर बढ़ भी जाते हैं खुद से, खुद का वीडियो देखने से। तो मैं ये ट्रिक नहीं बताऊंगा, जिसको भी ये ट्रिक चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं ट्रिक बता दूंगा। आप भी कम सब्सक्राइबर में 3-4-5 पेमेंट ले सकते हो। मेरा अब इस महीना भी पेमेंट आने वाला है, 3rd पेमेंट इस महीना आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बस मेहनत करते रहो, कंटिन्यू वीडियो बनाओ, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैंने सेकेंड पेमेंट ले लिया, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं यूट्यूबर बनूंगा। 1st पेमेंट आने में बहुत टाइम लग गया, मगर सेकंड पेमेंट वो 2 महीने में ही आ गया और 3rd पेमेंट 1 महीने में आ रहा है, मतलब सेकंड और 3rd के बीच में 1 महीने का गैप है। तो कंटिन्यू मेहनत करते रहो, मेहनत का फल सबको जरूर मिलता है। और मेरे इस महीने कितने पेमेंट आए मैं बता रहा हूँ, मेरे इस महीने $103 आए हैं, मैं वो खुलेआम बता रहा हूँ, $103 मिले हैं इस महीने। और मैं YouTube का पेमेंट का 50% मैं YouTube पे ही खर्च करूँगा। कुछ सामान है जो पिछले पेमेंट पे मैंने माइक लिया, गिम्बल लिया और एक दो और ब्लूटूथ हेडफोन लिया, और इस महीने का पेमेंट में भी कुछ और लूँगा, मतलब सोच के रखा, मैं अभी बताऊँगा नहीं। तो और कुछ पैसे मैं ऐड पे खर्च करूँगा, अपना वीडियो को प्रमोट करूँगा 50% में से, मतलब 25% मैं यूट्यूब ऐड लगाऊंगा, अपनी वीडियो को प्रमोट करूंगा, क्योंकि जब पैसे यूट्यूब से आ रहे हैं तो यूट्यूब पे खर्च करना मेरा फर्ज है, अपने चैनल को प्रमोट करूँ, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और भी व्यू बढ़ेंगे। तो आप लोग भी इसी तरह मेहनत करते रहो। तो आपने देखा कि मैंने सेकेंड पेमेंट ले लिया है, आप लोग जितने भी जिसका भी 1st पेमेंट आ चुका है सबको ऑल द बेस्ट, जिसका आने वाला है उसको भी ऑल द बेस्ट। इसी तरह मेहनत करते रहो, वीडियो बनाते रहो और मुझे भी सपोर्ट करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।